देखिए, हमारे धर्म रक्षक श्री दारा सिंह को 24 साल से 25 साल होने वाले हैं अभी उड़ीसा की जेल में रखा हुआ है और ये एक अन्याय हो रहा है। भारत सरकार का जो आईपीसी है, जिस पर पूरा कानून चलता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट चलता है, जिस पर हाई कोर्ट चलता है, आईपीसी धारा 55 है, वो कहती है कि समुचित सरकार बिना कैदी की सम्मति के जो भी आजीवन कारावास प्राप्त कैदी है उनको 14 साल से पहले छोड़ सकेगी। आजीवन कारावास के कैदी मुझे 14 साल से छोड़े जाते थे, किंतु क्योंकि दारा सिंह का मामला था, एक ईसाई आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाला एक दारा सिंह पैदा हुआ था उड़ीसा में, जिसने उस आतंकवादी को, उस देशद्रोही को, उस नक्सलवादी को जिसने पुरालिया हवाई जहाज से नक्सलवादियों के लिए हत्या करवाए थे, उसको जिंदा जला के मारा था, उसको नहीं छोड़ा जाना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज सब कानून को भूल गए हैं और कानून को भूल कर दारा सिंह को जेल में रखा हुआ है। और मतलब इसमें जो सरकार की भूमिका वो भी ठीक नहीं है, सरकार का काम है कानून का पालन करे। आईपीसी की धारा मैंने बताई, आईपीसी की धारा 57 कहती है कि आजीवन कारावास 20 साल से अधिक नहीं हो सकता जिसमें छुट्टियां काटी जाएगी। ये किसी वकील से पूछ लो, किससे पूछ लो, आईपीसी सबके सामने है, किंतु दारा सिंह पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इसलिए हमारा यही मांग है कि दारा सिंह को 25 साल होने वाले हैं जेल में, उनको तुरंत छोड़ा जाए और 2 अक्टूबर को छोड़ा जाए। इसके लिए हमने अभी हम मोहन चरण माझी को भी पीछे भी हमने 2 जुलाई को मिले थे उनसे दिल्ली में ही, तभी हमने उनको ज्ञापन दिया था और अभी भी हम यही ज्ञापन उनको दे रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि दारा भाई को छोड़ा जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज मोहन चरण माझी या आपकी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बने हैं और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो दारा सिंह के कारण बने हैं, क्योंकि जब ग्राम स्टेशन मारा गया था उस समय क्योंझर और मयूरभंज उड़ीसा के दोनों जिलों में एक ऐसी लहर चली हिंदुत्व की, उसमें सारे के सारे अनंत नायक, अनंतो नायक, उपेंद्र नायक सारे ही उम्मीदवार जीते। पहली बार मोहन चरण माझी पहली बार एमएलए बने, अपनी द्रौपदी मुर्मू पहली बार एमएलए बनी। और द्रौपदी मुर्मू जब मैं दारा भाई के साथ जेल में था, बारीपता जेल में, तब मुझे और दारा सिंह को राखी बांध कर गई थी, तो मेरा एक भाई के नाते उनसे अनुरोध है कि वो दारा भाई को छोड़ दे, रिहा कर दे, उनको अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत उनको पावर दी गई है कि वो कैदी को छोड़ सकती हैं। और ये ठीक नहीं हो रहा है, एक देशभक्त के ऊपर जितने जुल्म किए जा रहे हैं, एक आप देखिए स्वामी लक्ष्मण के 7 ईसाई हत्यारों को 10 साल बाद छोड़ दिया गया। इस देश का कानून से क्या चल रहा है कि हत्या ईसाई करे एक साधु की, संत की, हिंदू धर्म के ऊपर हमला करे तो उनको छोड़ दिया जाता है, किंतु दारा सिंह को नहीं छोड़ा जा रहा। एक दिन के लिए भी पैरोल फरलो नहीं मिली, इनका अत्याचार देगी, इनका न्याय देगी, सब कानून को भूल गए हैं। अरे आप भारत सरकार के कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, कानून के रक्षा है उसके भक्षक मत बनो, और भक्षकों का हाल अच्छा नहीं होता है। ये दारा सिंह से मत टकराओ, हिंदुत्व से मत टकराओ, ये वक्त हिंदुत्व का वक्त है, मोदी का वक्त है, और आपको दारा सिंह को रिहा करना चाहिए। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।